न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दबंगों को खनन अधिकारी को बीच सड़क पर धमकाना पड़ा महंगा, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा मुकदमा दर्ज कर की जा रही है विधिक कार्रवाई। मुख्य सचिव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। सुमंगला कन्या योजना की प्रगति की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेनीपार पुलिस की दबिश में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने की सामग्री हुई बरामद। आसपास के इलाकों में बेचते थे सामग्री, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, गोदाम किया गया सील। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में 4 व 5 अगस्त को आयोजित होगी कुश्ती प्रतियोगिता। विजयी पहलवानों को मिलेगा नगद इनाम, प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे प्रमाण पत्र व आशीर्वाद। पारिवारिक विवाद में संघ की बुजुर्ग पति ने पत्नी और बेटे को मारा चाकू, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की हुई मौत, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी मौत का कारण। क्राइम ब्रांच और गोरखनाथ पुलिस ने शहर में सक्रिय चोरों की शातिर गैंग का किया पर्दाफाश, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी में शहर में चोरी की घटना पर लगेगा अंकुश। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगर आयुक्त ने किया कार्रवाई, कई किलो पॉलिथीन किया जब्त, लगाया जुर्माना, कहा अब पॉलिथीन में सामान खरीदने वालों पर भी होगी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट के लिए लोगों को किया जागरूक, एसपी ट्रैफिक ने कहा सुरक्षित यात्रा के लिए लगाएं हेलमेट नहीं तो होगा चालान। फॉक्सी के तत्वाधान में मातृ सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन देश विदेश के चिकित्सकों ने रखे अपने अपने विचार, पूरे 9 महीने में गर्भावस्था में होने वाले विभिन्न कॉम्प्लिकेशन पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई मासिक बैठक, जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा 27 सूत्री मांगों को लेकर 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा प्रदर्शन। संगठन के सचिव व अपर अभियंता के तबादले के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन जिला इकाई के सदस्यों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन, तबादला निरस्त करने की मांग। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान युवा प्रभाग द्वारा चलाया गया सदस्यता अभियान, अनेकों ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ ने सुंदरकांड किया भगवान को याद, शांति समृद्धि की कामना। सावन माह में महिलाओं ने कजरी गीतों पर बांधा समा, झूलों के साथ नृत्य के साथ उठाया लुत्फ। और सावन के तीसरे सोमवार को जल चढ़ाने के लिए निकला कांवरियों का जत्था, डीजे पर नाचते गाते और बम भोले का नारे लगाते हुए यात्रा कर रहे श्रद्धालु।